हेलो दोस्तों, हाँ ये स्वागत है। बाईपास बारिश रोड देखिए, बारिश से देखिए बहुत ही तेज है। देखिए आप, पाताल, भवाली, भीमताल, काठगोदाम तो पहुंच ही चुके हैं। माहौल ही चेंज हो चुका है पूरे शहर का। इस टाइम पर कोई नहीं दिखता था बाहर, आप देखिए बारिश की वजह से नहीं दिख रहा कोई बाहर। अब हमारा तो कुछ काम है यहाँ पे, उस काम को निपटा के सीधे जाते हैं घर को। फिर दिन में भी काम है हल्द्वानी बाजार में, तो दिन के टाइम पे जाएंगे वहाँ। है रेलवे स्टेशन, तो दोस्तों यहाँ से हो रही वापसी अब। शाम को दोबारा निकले थे, लेकिन आप किसी को बता दीजिए वो छिट वाले भैया ही। तो मौसम तो बहुत सुहाना हो गया आजकल, दोबारा से दोस्तों हम पहुँच चुके हैं सेंटर के पिछली रोड में, जहाँ से नवाबी रोड को जाते हैं। एक कॉलेज को, एक कैनाल रोड निकोनिया पहुँचती है, और जो पीछे जहाँ से मैं आ रहे हैं पहुँचती है दोनों एरिया। और ये वाले पहुँचे सेकेंड हार्ड स्कूल में। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं निकोनिया चौराहे पर, देखिए चौराहे। हाँ और यहाँ कुछ चल रहा है काम, आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। वो रोड फंस गई है यहाँ पे। तो दोस्तों तिकोनिया चढ़ाए गए, जस्ट बगल में जो नहर को जाती रोड रोड धस चुकी है। देखिए कितनी रोड धस गई है, सही करने का काम चल रहा है यहाँ पे। ये रोड ब्लॉकेज कर दिया है यहाँ पे, देखिए। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, काम है इस साइड को, से रोड ब्लॉक कर दिया क्योंकि वहाँ रोड का धसा हो चुका है। तो तिकोनिया वाली रोड पीछे को बंद कर दी, इसलिए यहाँ पर लग गया है जाम। तो मौका मिलते ही चौका मार देने का काम चल रहा है, मिल गया हमें मौका इस साइड में आने का। तो हम आ चुके हैं इस साइड में वापस। तो अब जा रहे हैं यहाँ से वापस, इस सड़क से जाएंगे। बूटाबादी तो हल्की 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 स्टार्ट हो चुकी है फिर से, अभी रुक रही है, कभी हो रही है, कभी रुक रही है, तो पता ही नहीं चल रहा इस चीज़ का। बारिश तो होने लगी है, ठीक है, काम चल रहा था और इस बीच में बारिश हो चुकी है। देख सकते हैं आप, पूरी नहर पानी से लबालब है। इधर को हो चुका काम, तो इधर को उतना फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, तिकोनिया में रोड फंसी हुई है, तो ये रोड यहाँ से गाड़ी को मोड़ रहे हैं मेन हाईवे के लिए। तो इस वजह से यहाँ हल्का फुल्का जाम है। बूंदाबांदी तो हो गई स्टार्ट, चेहरे में टकरा रही है, अब कैमरा कैप्चर कर पा रहा नहीं कर पा रहा, वो बात अलग है, लेकिन इसमें टकरा रही है हल्की हल्की चेहरे में। दोस्तों फोर व्हीलर तो यहाँ से जा नहीं सकते हैं, टू व्हीलर के लिए रास्ता छोड़ रखा है अभी तक, तो क्योंकि यहाँ देखिए आपको दिखाता हूँ, मैं भी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हुआ क्या है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, ये चिल्ले वाले भी आए हैं, वो देखो ये पूरी सुरंग बन चुकी है इधर को। दोस्तों देखिए न्यूज वाले भी आए हैं इधर, अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये आया है जेसीबी और पूरी सुरंग बन चुकी है उसमें, लग रहा है इधर तक पूरा जाएगा ये धीरे धीरे करके। यहाँ से ब्लॉकेज कर रखा है, तो हम जा रहे हैं यहाँ से दिखाई दे रहा
बारिश की अच्छी तरह नहीं लगती। दोस्तों विशाल में आए हैं, यहाँ कुछ काम है। तो दोस्तों ये है पॉलिसी, तो दोस्तों मुखानी चौराहे पर आ चुके हैं, पुलिस भी खड़ी है, सब कुछ है यहाँ पे। तो दोस्तों यह है त्रिमूर्ति मंदिर, ये चौराहा है। अब यहाँ से हम देंगे राइट को, यहाँ से पहुंचेंगे हम ऊंचा पुल, यह मंदिर। तो पहुंच चुके हैं ऊंचा पुल चौराहे पे, यहाँ से लेंगे राइट। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं चौपला चौराहे पे, यहाँ से हम लेंगे राइट। तो दोस्तों देखिए बारिश से यहाँ भी आ रहा है, पूरा नाला ही आया हुआ है, क्योंकि ये रोड नाले में ही पड़ता है। देखिए अब ये पूरा पैक हो चुका है नीचे, ये देखिए इधर को भी देखिए, यहाँ से आया होगा पानी। तो दोस्तों और जो होगा यहाँ के पेड़ बच गए हैं। तो दोस्तों जो रकस्या नाला आया हुआ है हल्द्वानी में, सारा पानी यहीं से निकला है, चंबल पुल वाला ये पानी जाता है वहाँ। देखिए पूरी गंदगी साफ कर दी उसने। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ घर, और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टाटा बाय बाय।